हनुमान जी का पूछ किसका अवतार था और क्या कारण था रावण की लंका जलने का। दोस्तों, इन प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव से एक भव्य महल की मांग की थी। भोले शंकर ने माता पार्वती की मनोरथ को पूर्ण करने के लिए कुबेर से कहकर स्वर्ण का एक भव्य महल बनवाया। रावण की दृष्टि जब इस महल पर पड़ी तो उसने सोचा, इतना सुंदर महल तो त्रिलोकी में किसी के पास नहीं है, अतः यह महल तो मेरा होना चाहिए। वह ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने इष्ट भोले शंकर के पास गया और भिक्षा में उनसे स्वर्ण महल की मांग करने लगा। भगवान शिव जान गए कि उनका प्रिय भक्त रावण ब्राह्मण का रूप धारण करके उनसे महल की मांग कर रहा है। द्वार पर आए ब्राह्मण को खाली हाथ लौटाना उन्हें धर्म के विरुद्ध लगा, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है द्वार पर आए हुए याचक को कभी भी खाली हाथ या भूखे नहीं जाने देना चाहिए। भगवान शिव ने खुशी खुशी महल रावण को दान में दे दिया। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ कि उनकी प्रिय महल भोले शंकर ने रावण को दान में दे दिया है तो वह खिन्न हो गई। भोले शंकर ने उनको मनाने का बहुत प्रयत्न किया मगर वह ना मानी। जब सभी प्रयास विफल हो गए तो उन्होंने माता पार्वती जी से कहा कि त्रेता युग में जब राम अवतार होगा तो मैं वानर का रूप धारण कर हनुमान का अवतार लूंगा, तब आप मेरी पूज बन जाएं। राक्षसों का सहार करने के लिए प्रभु राम की माया से रावण माता सीता को हरण कर ले जाएगा, तो मैं माता सीता की खोज खबर लेने तुम्हारे स्वर्ण महल में आऊंगा, जो कि भविष्य में सोने की लंका के नाम से विख्यात होगी। उस समय तुम मेरी पूज के रूप में लंका को आग लगा देना और रावण को दंडित करना। पार्वती जी मान गई। इस तरह भगवान शिव बने हनुमान और माँ पार्वती बने उनकी पूज। ये प्रसंग भी शिव के श्री हनुमान अवतार और लंका दहन का एक कारण माना जाता है।